फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाद की पोटली। आई एम विनीता। आज हम बनाएंगे डलगोना केक, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजली बन जाता है। और इस लॉकडाउन में आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे घर में सामान है, हम उसी से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डलगोना केक बनाने के लिए हम ले लेंगे 2/3 कप शुगर, जिसे हम बारीक पीस लेंगे, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी, हॉट वाटर 3 टेबल स्पून, 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सोडा, 1/4 कप ऑयल, 2/3 कप बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए हम 1/2 कप दूध ले लेंगे और 1/2 कप दही ले लेंगे। दोनों को मिक्स कर देंगे। अब एक बाउल में हम चीनी ले लेंगे, कॉफ़ी ले लेंगे और गर्म पानी ले लेंगे और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको मिक्सर जार में भी फेंट सकते हैं। 5 मिनट तक हम इसे ब्लेंड करेंगे, जब तक ये फोमी ना हो जाए। देखिए हो गया है। अब मैदा ले लेंगे, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा लेकर इसके अच्छे से छान लेंगे। बटर मिल्क ले लेंगे, ऑयल ले लेंगे और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। इसे भी हम 5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये सारी चीज़ें जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, अब ये तैयार हो चुका है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम ग्रीस किया हुआ केक टीन में डालेंगे। केक टीन को ग्रीस करने के लिए आप चारों तरफ से ऑयल लगाकर नीचे में बटर पेपर डाल देंगे। अगर बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा मैदा को लेकर चारों तरफ से कोटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा मैदा को ठोक कर निकाल देंगे। अब इसे हम माइक्रोवेव में रखेंगे, जो 180 डिग्री पर प्री हीट कर चुकी हूँ। हम इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। पैन में बनाने के लिए हम पैन को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर देंगे और फिर पैन के अंदर एक छोटा सा स्टैंड रखकर उस पर केक टिन रख देंगे। 35 से 40 मिनट तक ढक कर रख देंगे। ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। इसे 5 मिनट हम ठंडा होने देंगे माइक्रोवेव से निकाल कर। फिर इसे हम धीरे से किसी एक प्लेट में पलट लेंगे। बटर पेपर निकाल देंगे धीरे से। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बनकर तैयार है। इस पर आप चॉकलेट गनास या कोई भी क्रीम लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी रख सकते हैं। चौको चिप से डेकोरेट कर देंगे।
एक बात आप ध्यान रखिएगा, माइक्रोवेव से निकालने से पहले आप किसी नाइफ से चेक कर लीजिएगा, अगर वो क्लियर निकले तो आपका केक रेडी है। तो लीजिए फ्रेंड, डलगोना केक बनकर तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे बनाइए और हमें भी कमेंट में बताइए कि कैसा बना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।